आर्यावीर, आर्यावीर ARYA VEER। अच्छा नहीं लगा, मैं फर्स्ट टाइम लाई थी।
हाँ तो चलिए नाइट वाला बर्थडे हो गया, कल का डे बहुत हैक्टिक होने वाला है, बहुत कुछ करना है, तो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल सुबह सुबह। कल देखती हूँ, मंदिर जाऊंगी, खाना बनाऊंगी बहुत अच्छा अच्छा, एंड बाबू को थोड़ा घुमाने लेके जाऊंगी, बर्थडे करूंगी, बहुत कुछ करूंगी, जो भी करूंगी सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए अभी के लिए बाय 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 बाय, एंड मैं आप लोगों से कल सुबह मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, बाबू उठ जाइए, आज आपका बर्थडे है ना बेटा, उठ जा बेटा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बाबू, उठ जाना, अपने बर्थडे वाले दिन कौन इतना देर तक सोता है, हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे बेटा, स्कूल का टाइम हो गया, उठ जाइए बेटा, ए बेटा स्कूल का टाइम हो गया, उठ जाना, उठ जा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, स्कूल नहीं है। बच्चा गॉड ब्लेस यू, अरे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बेटा, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू मी। तो आज है 19th नवंबर, फाइनली आज बाबू का बर्थडे है, एंड पूजा वगैरह हो गया है, एंड बाबू ने हम लोगों से तो ब्लेसिंग्स ले लिया है, बट आप लोग भी थोड़ा सा ब्लेसिंग्स दे दो, वी नीड ब्लेसिंग्स ना मोर, तो इसलिए आप लोग भी बर्थडे विश कर दो बाबू को। और ये देखिए मेरा कपड़ा, अरे बाबा हाँ तो देख रखे है ना बेटा, तो चलिए आज और आज ना मुझे... मैं इतना खुश हूँ ना, अरे बाबा हाँ तो बर्थडे बॉय है, एंड मुझे पता नहीं था, अभी थोड़ा देर पहले पता चला ना कि आज ग्रहण भी लगने वाला है, मुझे पता नहीं था, मैं जल्दी जल्दी से नहा के पूजा कर ली, और जब पूजा कर ली मैं अभी, तो ग्रहण में तो कुछ कर नहीं सकते है ना, जब पूजा कर ली फिर पता चला कि नहीं है ऐसा कुछ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रहण जैसा नहीं है, घर से बात हुई ना मम्मी लोगों से, तो पता चला कि नॉर्मल जैसे रहते हैं नॉर्मल डे में वैसे ही रहना है, कुछ ऐसा कुछ नहीं कि फॉलो करना है, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ ये सब चीज़ जो होता है ना, फॉलो करती हूँ, इसलिए मैं जल्दी ना आगे पूजा कर ली, ये खाना वाना तो नहीं बनाना है, कुछ भी नहीं करना है, एटलीस्ट पूजा तो हो गया रहेगा, तो चलिए अभी ऐसा कुछ नहीं है ग्रहण का, तो मैं थोड़ा फ्री हो गई हूँ, अब चलते हैं फटाफट से किचन में, बाबू के लिए अच्छा अच्छा सा खाना बनाऊँगी, सारा खाना वेज बनाऊँगी ऑब्वियसली, गॉड ब्लेस यू, तो सारा खाना मैं वेज ही बनाऊंगी, और चलिए किचन में चलते हैं, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आज खाना का, ए टू जेड शेयर नहीं करूँगी बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो रहा था खाना पीना ज़्यादा ऐड करके, बट जो भी करूँगी सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्या हुआ बच्चा, मुझको बहुत ठीक हो रहा है, और ओके आप जाओ हाँ रूम में जाओ बना, तो ठीक है चलिए अब किचन में चलते हैं, हम लोग खाना बनाते हैं, एंड आप लोग को भी साथ शेयर करती हूँ, एंड उसके बाद फिर मंदिर जाएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, एंड एज एवर जैसा मेरा होता है बर्थडे एक ही जैसा मनाती हूँ मैं, खाना बनाती हूँ, मंदिर जाती हूँ, भगवान का दर्शन करके आते हैं, एंड देन घर में आकर के वापस से केक कट करते हैं। मैंने ना एक पेपर से एक चीज बनाता स्नेक, यस, तो चलिए बातें कम करती हूँ, किचन में चलते हैं खाना बनाते हैं। आज बर्थडे के साथ साथ पूर्णिमा भी है, कार्तिक का पूर्णिमा, तो वैसे भी मैं बर्थडे में मैं ऐसा एवरी ईयर वेज खाना ही बनाती हूँ, बर्थडे में वेज ही बनाती हूँ, और आज पूर्णिमा है, और वैसे भी बर्थडे में मैं खीर बनाती हूँ, मस्ट बनाती हूँ, तो आज मैं खाना में खीर पूरी बनाने वाली हूँ, जिसके लिए खीर तो मैंने चढ़ा भी दिया है, तो खीर पूरी एंड देन उसके बाद पुलाव बनाऊंगी, जो स्वीट वाला जो मैं हमेशा बनाती हूँ वो बनाऊंगी, एंड सब्जी में मैं मटर पनीर की सब्जी होता है, तो मटर पनीर का जो बेसिक सब्जी होता है वो बनाऊंगी, एंड देन रायता बनाऊंगी, रायता तो बनता ही है, तो बस यही चार पांच चीज है जो मुझे बनाना है, तो चलिए खाना पहले बना लूं एंड उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ।
और लाइट चली गई, और वैसा अगर लाइट चली जाती है ना रूम एकदम रात जैसा हो जाता है, एकदम अंधेरा हो जाता है। अब देखो कितना सारा खाना बनाना बाकी, अभी तो मैं स्टार्ट ही की थी, खीर और पुलाव अभी तक बना भी नहीं है और लाइट चली गई, पता नहीं कब आएगी, और मतलब ट्रांसफार्मर उड़ा है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं क्या करती हूँ ना, वैसे कौन मेरा ये मोबाइल पकड़ के मुझे खाना बनवा देगा, इसलिए मैं क्या करती हूँ अंधेरा में मैं तो बना लूंगी लेकिन रिकॉर्डिंग में तो अच्छा नहीं लगेगा ना अंधेरा अंधेरा, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ ना मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ, वेट करती हूँ लाइट आने का, लाइट आएगी फिर आगे कब करते हैं पता नहीं। मैं क्या बोलूँ, आज ही सब कुछ होना था यार, तो क्या बोलूँ अब, ऐसे कौन पकड़ के रखेगा मुझे, कौन कुकिंग करवा देगा, बहुत टाइम लगने वाला है, सब कुछ बाकी, अभी तो जस्ट स्टार्ट ही की थी मैं, तो मैं ना फटाफट से खाना बना लेती हूँ और खाना और रिकॉर्डिंग करूँगी मैं, क्योंकि अंधेरा में कैसे रिकॉर्ड करूँगा, अच्छा नहीं लगता, देखो लाइट नहीं रहने से ऐसा लगता है, कैसा वीडियो बनेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए मैं ऑफ कैमरा पहले खाना बना लेती हूँ और लाइट आने का वेट करती हूँ, मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो फाइनली लाइट आ गई है, जब मेरा सारा खाना बन गया था अंधेरा में, मोबाइल मेरा फ़ोन जो था वो भी डिस्चार्ज हो गया था, मैं अंधेरा में सारा खाना बनाई, और जब सारा खाना जैसे ही बना, अभी एक मिनट आधा मिनट पहले लाइट आई है, मैं क्या क्या सोच रही थी कैसे होगा, रात तक अगर नहीं आएगी लाइट तो मैं कैसे बर्थडे क्या करूँगी, बट फाइनली लाइट आ गई है, तो खाना बनाते हुए तो नहीं दिखा पाई, इधर है खाना बन के रखा हुआ है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है, वही सब चीज़ें जो मैं बताई हुई थी, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बैक कैमरा देखे पेड़े ओरे तो हैप्पी बर्थडे आप हैप्पी बर्थडे, ये इतना खुश है ना, इतना खुश है ना, हर दो मिनट पे खुद को बोल रहा है हैप्पी बर्थडे टू मी हर दो मिनट पे। तो चलिए पहले मैं बैक कैमरा से ना आप लोग को पूरा खाना दिखा देती हूँ, और उसके बाद फिर रेडी होने चलते हैं क्योंकि मंदिर निकलना है थोड़ी देर के बाद, लंच वंच के बाद, तो पहले मैं खाना दिखाती हूँ एक मिनट। हाँ तो इधर है हमारा यमी यमी सा पुलाव, जो कि बहुत ज़्यादा यमी है, स्वीट वाला है, एकदम मीठा मीठा है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है और देखने से भी लग रहा है। तो ये रहा हमारा पुलाव, एंड देन इधर है खीर, यम्मी सा डिलीशियस सा खीर, देख के अच्छा लग रहा है ना। तो ये रहा हमारा खीर, जो कि बर्थडे में मस्ट है बनाना, तो ये खीर रहा। देन उसके बाद इधर है ढेर सारा, मैं पूरी बना ली हूँ, क्योंकि मैं अभी मैं और दोबारा किचन में नहीं आऊँगी, रात तक फ्री हो जाऊँगी, तो ये हमारा डिनर भी है और लंच भी है। तो ये रहा हमारा ढेर सारा पूरी, एंड देन इधर है हमारा यम्मी यम्मी सा टेस्टी सा मटर पनीर की सब्जी, ये रहा। तो एंड उसके बाद इधर है एज एवर रायता, तो हमें चाहिए ही होता है, हर खाने के साथ रायता मेरा होता ही है, तो बूंदी वाला रायता इधर ये रहा, ये भी यम्मी यम्मी सा है। तो बस हमारा सारा खाना रेडी हो गया है, पुलाव खीर पूरी एंड सब्जी, एंड देन उसके बाद रायता। तो चलिए अब थोड़ी देर में, 3 बज रहे हैं, थोड़ी देर में हम लोग लंच करके निकलेंगे मंदिर के लिए। तो बाबू ये वाला ड्रेस पहनेगा इसका जो है, और हाँ एंड मैं ये वाला पहनने वाली हूँ जो कि मैं छठ पूजा में पहनी थी ना, बहुत ही प्यारा सा एक हेवी सा सूट है, शरारा क्या नाम है इसका, तो बस शरारा। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। दुपट्टा लिटा रहा है, दुपट्टा उठाइए, All right.
इसलिए अभी हम लोग केक कट कर लेते हैं। एंड ये देखिए 9 इयर्स, यकीन नहीं हो रहा यार, देखते ही देखते अभी ऐसा लग रहा है कि अभी तो हुआ था ये, अभी मैं इसको लेके आई थी हॉस्पिटल से, अभी 9 इयर्स को हो गया, आज 9 इयर्स कंप्लीट, यकीन नहीं हो रहा, ऐसे देखते देखते इतना बड़ा हो जाएगा एक दिन। तो ये रहा केक अभी वाला, ये देखिए चॉकलेट। एंड अब चलते हैं फटाफट से, ये बार बार गिर रहा है, इसको अंदर बोल दो। अब चलते हैं फटाफट से, केक कटिंग कर लेते हैं, ठीक है, केक कटिंग कर लेते क्योंकि रात हो गई है, तो चलिए फटाफट से केक कटिंग करते हैं, चलो बेटा। और बाबू भी रेडी है, इसको दूसरा ड्रेस पहना के लेके गई थी मंदिर, एंड अभी फिर से इसको थोड़ा चेंज करा दी हूँ। चलिए फटाफट से अब क्या करते हैं, केक कट करते हैं, केक कट करते हैं। टेबल कहाँ गया बेटा? टेबल नीचे, इधर ना पकड़ दो। लाल लाल पीला लाल, गलत छोड़ दे छोड़
हम तीनों का बर्थडे है, हम तीनों का बर्थडे है। चलते हैं, जोर से बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, है ना? हैप्पी बर्थडे। अच्छा ये भी होता है क्या कुछ स्पार्क का? लीजिए पास से दिखाती हूँ, क्लोथ से दिखाओ बेटा। अल्टीमेट साइंस किट। यस, जिसको बाबू ऑलरेडी खोल के देख चुका है इसलिए इसका ये हाल है। ये है, हाँ हाँ, ये है सैंपल। ओके। और ये है मेन मैनुअल। ओके। इसमें बहुत सारे साइंस है, 40 साइंस है। हाँ। ये है ग्लिसरीन फ्लेक्स। और ये जो हमारे घर में रहता है विनेगर। ये ग्लू बहुत ही रेयर है। ये है ग्लो पाउडर। अच्छा, इससे बहुत गोल चीजें बनते हैं। और एक सेकंड, ये है फूड कलर। हाँ चलो, हो गया हो गया। और यहाँ पे है सिट्रिक एसिड, क्रिस्टल पाउडर, बेकिंग सोडा और कॉर्न स्टार्च। और ये है मेन साइंस, वो साइंटिस्ट वाली फीलिंग आती है मेन इससे। इससे मैं साइंटिस्ट वाली फीलिंग आती है। और ये इसमें दो बलून दिए गए, पता नहीं क्यों।
तो आप पढ़ोगे ना इसको, पढ़ोगे इंस्ट्रक्शन वाले को, तो आपको पता चल जाएगा। ये है मेजरिंग कप। हाँ बस हो गया आपका गिफ्ट दिखा दिया। नहीं और भी है। बस हो गया ना बेटा। ये है फनल। स्टेरिंग स्टीयर्स दो हैं। और ये है स्प्रैटुला। स्पैचुला। और ये है, इसमें पता है साबुन भी बना सकते हैं। ओके तो आप साबुन बनाना, फिर हमें खरीदना नहीं पड़ेगा, है ना? है ना बेटा? और ये देखिए, ये है मेन कप। अच्छा ठीक है, तो हो गया बेटा। बाबू का बर्थडे कैसा गया, कैसा लग रहा आपको? और केक बहुत टेस्टी था। केक बहुत टेस्टी था। गिफ्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा है, मैंने ही मंगवाया है। जो कि पहले ही देख चुका है। और आज का बर्थडे कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा, पता है तेल के चक्कर 9 इयर्स के हो गए हो बेटा। बहुत बड़ा हो गया है, और पढ़ाई लिखाई भी करना है, सिर्फ बर्थडे बर्थडे नहीं, 9 इयर्स का हो गया। और ये रहा डेकोरेशन, बैक कैमरा से अभी दिखा रही हूँ, जो कि बहुत अच्छे से सजाया था, लेकिन रात भर में और सारा बलून सब निकल गया, और फैन वैन ऑन होने से ना कैसा कैसा सब हो जाता है। था तो बहुत अच्छा डेकोरेशन, बट यही। और ये रहा बर्थडे बॉय, प्यारा सा मेरा बच्चा, देखते देखते इतना बड़ा हो गया, पता ही नहीं चला। और ये देखो बर्थडे बॉय कितना लंबा हो गया है, कितना बड़ा हो गया है ना। हाँ, मैं यहाँ तक पहुँचा। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया है, और थोड़ा थोड़ा दुख भी हो रहा है कि इतना बड़ा हो जाएगा, देखते ही देखते उसके बाद इसको मेरी जरूरत थोड़ा सा कम हो जाएगी, है ना बेटा? नहीं नहीं ना, प्रॉमिस। इतने बड़े हो गए, ठीक से पढ़ाई लिखाई करोगे, अच्छा इंसान बनोगे ना बेटा। इधर देखो कितने बड़े हो गए यार, मुझे खुद अजीब लग रहा है, इतना छोटा सा था। आज मैंने इसका फोटो देखा हॉस्पिटल वाला, इतना छोटा था और लग रहा है वो कल की बात है, और अभी देखो इतना बड़ा हो गया। 9th बर्थडे सेलिब्रेट किया है, नेक्स्ट ईयर 10 साल का हो जाएगा। ये आप भी खाइए। यस आप भी खाइए। कैसा टेस्ट? कैसा? आप बैठ जाओ बेटा, आप बैठ जाओ, इतने बड़े लग रहे हो। तो बस यही था बर्थडे बाबू का बर्थडे वाला वीडियो, जो कि बहुत अच्छा गया। आज लाइट चली गई थी, दिन में एक दो घंटे के लिए लाइट चली गई थी। हाँ, और वैसे मेन टाइम पे गई थी जब मैं कुकिंग कर रही थी, बड़ा मुश्किल से मैंने कुकिंग किया, बट उसके अलावा बाद बाकी सब बहुत अच्छा। आज का दिन रहा बहुत अच्छा रहा, मंदिर गई, अच्छे से दर्शन किया। शाम के टाइम में गई थी ना, तो आरती हो रही थी, आरती वारती सब देखी, बहुत अच्छा लगा, अच्छा गया बर्थडे, है ना बेटा? हाँ, बहुत। एंड कल रात को भी केक कटिंग किया, सेलिब्रेट किया, दिन को भी, अभी भी किया, सब कुछ किया, तो ओवरऑल बहुत अच्छा बर्थडे रहा। एंड मेरा बच्चा 9 इयर्स का हो गया है। हाँ, सिर्फ केक खाने के चक्कर में रहता और मीठा खाने के चक्कर में रहता, बस और कुछ नहीं। तो चलिए, अब ये था मेरा बर्थडे ब्लॉग, जो कि अब मैं एंड कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारा घर पूरा फैला हुआ है, सब कुछ किचन खाना सब ऐसे इधर उधर फैला हुआ है। मैं खुद भी थोड़ा चेंज करूँगी, इतना हेवी ड्रेस पहनी हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यही पे एंड कर देती हूँ मैं, क्योंकि ऑफ कैमरा बहुत सारा काम है। वीडियो एंड कर दूंगी ना, फिर मैं फ्री हो जाऊँगी, फिर बहुत सारा काम है वो सब करूँगी मैं। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, सेफ रहिएगा, एंड इफ यू लाइक देन सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके बाय बाय, बाय बेटा, बाय बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।